हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी आपको होम मेड फेशियल विद टमाटो। तो गाइज, इस फेशियल को करने के बाद कुछ इस तरह का ग्लो आया था, आप पिक्चर देख सकते हैं। तो गाइज, ये फेशियल कैसे करना है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम करेंगे पूरे 4 स्टेप। नंबर 1 क्लींजिंग, नंबर 2 स्क्रब, नंबर 3 मसाज और नंबर 4 फेस पैक। तो गाइज, ये चारों स्टेप हम करेंगे। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम करते हैं क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए हमें लेनी है टमाटर प्योरी, जितनी आपके फेस के लिए पर्याप्त हो, 1 चम्मच, और उसमें मिलाइए आप थोड़ा सा शहद। दोनों को मिक्स कर अच्छे से अपने फेस पर लगा लीजिए। तो गाइज, आप इसको सर्कल मोशन में मसाज करनी है 5 मिनट के लिए। आपको इसको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहिएगा, पूरे फेस पर लगा लेना है। आप इसको गर्दन पर भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर भी लगा लेना, क्योंकि क्लींजिंग करने से हमारे फेस की सारी गंदगी निकल जाएगी और हमारे जो फेशियल होता है उसमें भी क्लींजर का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। देखिए गाइस, जिस तरह से मैं अपने हाथों को सर्कल मोशन में मसाज कर रही हूँ, आइस पर भी मसाज कर रही हूँ, इसी तरह से आपको भी करना है। इसके बाद 5 मिनट के बाद आपको अपने फेस को पानी लेकर एक गीले कपड़े से फेस को साफ कर लेना है। गाइज, आप सही में यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ये केवल करवा चौथ से 3 दिन पहले फेशियल किया था, और कोई भी पार्लर वाला फेशियल या बाहर का फेशियल नहीं किया था, और मैंने होममेड यही फेशियल किया था। बहुत अच्छा ग्लो आया था, सभी ने पूछा कि क्या किया है। तो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। तो स्क्रब के लिए आपको लेना है फिर से टमाटर प्योरी, बेसन 1 चम्मच और 1 चम्मच गेहूं का आटा वीट फ्लोर, और गाइस आपको ले लेना है रो मिल्क हो वो भी ले सकते हैं, यानी कच्चा दूध, या फिर आपके पास जिस तरह का पका हुआ है जैसा भी है आप ले सकते हैं। तो गाइस, इसको अच्छे से एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरह से आया, और इसका टेक्स्चर थोड़ा इस तरह का होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये आपको अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। फेस पर लगाने के बाद आप इसको गर्दन और जहाँ पर भी मतलब आपकी टैनिंग स्किन है उस पर आप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से स्क्रब का काम करता है, इस तरह से थोड़ा मतलब स्क्रब जैसा ही फील हो रहा था। तो अब इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करनी है। ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करनी है, थोड़ा नॉर्मल हाथ ही रखिए, क्योंकि ज़्यादा अपने टाइट हाथ से मसाज करोगे तो आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि आइज़, नोज या चिन, या मतलब जहाँ पर भी आपको दिखता है डार्क एरिया है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय के लिए हल्के हाथ से मसाज करें। सर्कल मोशन में ही आपको मसाज करना है, और इसी तरह से आपको अपने फोरहेड पर भी करना है, यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क एरिया होता है। और गाइज, इस तरह से आप अपने पूरे फेस को 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करिए। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मतलब आपको करना है। अंडर आइज़ भी आपको मसाज करनी है, यहाँ पे डार्क सर्कल होते हैं, डार्क एरिया होता है, पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी यहाँ की बिल्कुल। आप सही में इस फेशियल को कर देखिएगा, और 15 मिनट के बाद आप अपने फेस को साफ़ कर लीजिए। गाइस, करते करते ही मुझे अपने फेस पर इतना चेंज दिख रहा था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ, ये सही में वर्क कर रहा है। तो गाइस, अब हम करेंगे मसाज। तीसरा स्टेप है हमारा मसाज। तो मसाज के लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच में टमाटर प्योरी लेनी है, और उसमें कच्चा दूध मिलाना है, और 1 पिंच लेनी है हमें हल्दी। हल्दी क्या है, वो स्किन ब्राइटनिंग का काम करती है, और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा निखार आता है, कोई भी येलो कलर नहीं छोड़ेगी, कोई भी येलो कलर नहीं आएगा। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमें अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। अंडर आइज़ सब जगह आपको लगाना है, आइज़ के ऊपर भी, अंडर आइज़ भी, क्योंकि इसे लगाने से आपके स्किन में जो ब्राइटनेस आएगी आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये मतलब इतना अच्छा काम करता है। तो गाइज, इस तरह से आपको फिर दोबारा से सर्कल मोशन में ही अपने पूरे फेस की मसाज करनी है। गर्दन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि फेस और गर्दन दोनों का कलर एक जैसा होना चाहिए, तो सेम कलर हो जाएगा अगर आप पूरे फेस और गर्दन की मसाज एक साथ करेंगे, और मतलब इस चीज़ को चारों स्टेप को लगाकर।
तो आप मैंने अपने पूरे फेस की इस तरह से मसाज की, आइज़ को भी अच्छे से मसाज किया, डार्क सर्कल या जो यहाँ पर थोड़ा डल कलर होता है वो साफ हो जाए। गाइस 5 मिनट करने के बाद इस मसाज को आप अपने चेहरे को गीले कपड़े से साफ कर लेना। और ये इस तरह से देखिए गाइस, आपको खुद अंतर आ रहा होगा कि स्टेप बाई स्टेप मेरा कलर जो है वो ब्राइट होता जा रहा है। अब हमको लेना है चौथा स्टेप, फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए हमें फिर से लेनी है टमाटर प्योरी, उसमें मिलाएंगे हम रो मिल्क, 1 पिंच मिलाएंगे हम इसमें हल्दी, और गाइस इसमें मिलाएंगे हम कॉफ़ी। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें बिल्कुल अच्छे से पैक बना लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें अपने फेस पर पूरे पर अप्लाई करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब आपको लगे कि ये अच्छे से सूख गया है, तब आपको अपने गीले कपड़े से अपने फेस को अच्छे से साफ करना है। और गाइस आपको एक मिलेगी चमकदार दमकती त्वचा, और गाइज आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सनस्क्रीन वगैरह लगा सकते हैं, हल्की सी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। I don't think so. No, 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 no. I don't think so.